Now we will study a spherical coordinate system. In spherical coordinate system, there will be some parameters r, phi, theta. Okay. So this is x-axis, y-axis and z-axis. इसे मान लीजिए आप ये आपका sphere type का है, ठीक है. हम spherical system में पढ़ रहे हैं, तो spherical systems में parameters क्या होते हैं, r, theta, phi. r क्या होगा, radius of sphere. फाई क्या होगा, हमारा एज़ीमिथल एंगल. एंड हमें पता है कि एज़ीमिथल एंगल एक्स वाई प्लेन पे क्रिएट किया जाता है और थीटा एंगल मेजर्ड किया जाता है फ्रॉम द जेड एक्सिस. सो दिस इज जेड एक्सिस. मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट पी है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, आर थीटा फाई. सो दिस इज आर रेडियस फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस पॉइंट. सो द यूनिट वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन, द थीटा एंगल मेकिंग फ्रॉम जेड एक्सिस. ओके, we know that it's making from a z axis, so the angle will also will be in this direction, unit vector a theta. जिस path में हमारा increment होता है angles या radius, for example radius इस तरफ increment हो रहा है, तो हमारा unit vector भी उसी तरफ increment होगा, ठीक है. phi angle हमारा x y plane से create होता है and it's making a 360 degree, तो phi का क्या direction हो गया unit vector का, इस फॉर्म में. ओके, इट्स क्रिएटिंग इन दिस टाइप, सो इट्स क्रिएटिंग ए फाई. नाउ वी नो दैट द रेंज ऑफ पैरामीटर्स, आई टोल्ड यू रेडियस विल लाई बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी, थीटा विल मेक अ जीरो टू पाई एंगल. हाउ आई विल सी हेयर, दिस इज अ जीरो डिग्री, यहाँ पे जीरो डिग्री बन रहे थीटा का, ठीक है. अब थीटा यहाँ पे जीरो डिग्री बना रहा है, हमने यहाँ से जेड एक्सिस से इंक्रीमेंट होता है. अब थीटा हमारा ज़ीरो हो गया, रेडियस ही कुछ कवर अप करेगा हमारा, ठीक है. अब फाई एंगल बनाने के लिए ये यहाँ पे तो कुछ कवर अप करेगा हमारा, जो फाई एंगल होता है वो क्रिएट हो रहा है जब थीटा ज़ीरो डिग्री है, तो फाई तो होगा, स्फीयर को कवर अप तो करना है, ठीक है. तो यहाँ पे फाई कवर अप हो गया, देन थीटा को हमने और इंक्रीमेंट किया, 45 पे ले गए, 45 पे ले गए, ये थीटा 45 हो गया रेडियस. तो ये फिर इस पॉइंट पे इसने पहले ज़ीरो था, सॉरी जस्ट वेट, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो डिग्री देयर इज़ नथिंग मूवमेंट, व्हेन वी मूव एंड थीटा एंगल अप टू द 45 डिग्री, सो इट्स क्रिएटिंग अ स्फीयर इन अ राउंड फॉर्म बिकॉज वी हैव टू कवर द होल सरफेस, होल वॉल एरिया. सो दिस इज, जब हमने थीटा को 90 पे किया, जब थीटा हमारा 90 डिग्री पे, अगेन इट्स कवर अप एरिया, एंड आफ्टर दैट 135, एट अ 180 इट्स नॉट, सो थीटा इज लाइज बिटवीन 0 टू 180 डिग्री. अगर आप इसके आगे इंक्रीमेंट करेंगे तो सेम ही पॉइंट आ रहा है हमारा, जैसे 135 पे हो रहा था, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. इसलिए थीटा कहाँ से लाई करते हैं, 0 to 180 डिग्री. अनदर ज्योमेट्री, इफ दिस इज़ अ रेडियस आर, इट्स मेकिंग अ फाई एंगल, थीटा एंगल. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, दिस इज अ ज्योमेट्री, हियर इज द पॉइंट पी, वी मेक अ सिमेट्री ऑफ दैट पी डैश. Similarly, as in cylinder we have studied, it's making a perpendicular. This is a row. We can take it as a row. Row ka sphere mein koi kaam nahi hota hai, but hum values predict karne ke liye isko use kar sakte hain. Theek hai, ye x-axis ho gaya, ye y-axis ho gaya. This is making an angle theta, z-axis. This is a r radius. This is also will be a row. So, from triangle OPQ, cos theta is equals to z upon r, z upon, क्योंकि हमें relationship किसके बीच में निकालने, cartesian and spherical systems के बीच में, तो cos theta is equals to z upon r, sin theta is equals to, we can take it as a rho upon r, okay, perpendicular upon hypotenuse, base upon hypotenuse. तो इससे क्या होगा, हमें rho की value पता चल गई, rho is equals to r sin theta, यहाँ से x इज़ इक्वल्स टू रो कॉस फाई हम लिख सकते हैं,
ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू रो कॉस फाई, एक्स इज इक्वल, रो की वैल्यू हमें पता है आर साइन थीटा होती है, आर साइन थीटा कॉस फाई, दिस इज वन। सिमिलरली वाई इज इक्वल्स टू रो साइन फाई एंड रो, द वैल्यू ऑफ रो विल बी आर साइन थीटा साइन फाई, दीज आर द सेकेंड। एंड जेड इज इक्वल्स टू, वी कैन प्रोडक्ट फ्रॉम हेयर आर कॉस थीटा। सो बाय एडिंग दीज एंड स्क्वायरिंग थ्री इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वी गेट इट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें से जो कॉमन आए, पहले हमने ये लिख लिया एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस आर स्क्वायर, हियर वी आर गेटिंग अ साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, सो टेकिंग आउट साइन स्क्वायर थीटा, देन हियर देयर विल बी अ रिमेनिंग कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा गिव्स यू अ वन, सो हियर विल इट विल बी रिमेन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन इट्स मेकिंग अ वन। सो वी गेट अ वैल्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, वी गेटिंग अ वैल्यू ऑफ आर, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्फेरिकल एंड कार्टिशियन, हमें कार्टिशियन के तो मिल गए हैं, ओके एक्स वाई जेड की वैल्यूज, अब हमें आर थीटा फाई की निकालनी है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। थीटा की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से हम निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, जेड इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, सो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स जेड अपॉन आर, कॉस इनवर्स जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक वैल्यू ये भी निकाल सकते हैं, और हम टेन थीटा के फॉर्म में भी जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू रो अप, क्योंकि मोस्टली न्यूमेरिकल में हमें ये वैल्यूज ईजली पड़ता है, सो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स रो अपॉन जेड, ओके तो जेड एज इट इज रो की वैल्यू हम क्या रख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिव्स यू अ रो स्क्वायर, तो रो की वैल्यू प्रेडिक्ट हो जाएगी हमारी, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ अगर हम इक्वेशन टू को डिवाइड करेंगे बाय इक्वेशन वन से, तो वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू टेन फाई हो जाएगा, क्योंकि वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई अपॉन आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा कैंसिल आउट, सो इट विल बी रिमेनिंग साइन फाई कॉस फाई, एंड वी नो दैट साइन फाई अपॉन कॉस फाई इज नोन एज टेन फाई, सो वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू टेन फाई, फाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वी आर गेटिंग अ फाई वैल्यू, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, एंड आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट दिस। नाउ द डिफरेंशियल लेंथ फॉर द स्फेरिकल सिस्टम, सपोज हियर सम वी हैव कैप्ट इट, इट्स क्रिएटिंग डिफरेंशियल लेंथ, यानी हम स्मॉल पार्ट का निकाल लेंगे तो हमारा सबका निकल जाएगा, ठीक है, ये ज्योमेट्री क्रिएट है, ऑब्वियसली बात है ये फाई होगा ये थीटा होगा, तो अगर हमें स्मॉल पार्ट निकालना है तो कुछ ये थीटा एंगल ले सकते हैं, यहाँ पे हमने एक सरफेस ले लिया है, ठीक है, ये कुछ प्रोडक्ट रखा है, मींस ऑब्जेक्ट ए बी सी, वी आर गिविंग अ नेम ए बी सी डी ई, ओके तो ये देखिए अगर ये हमारा फाई है तो इसका स्मॉल एंगल डी फाई क्रिएट हो जाएगा, ये डी फाई है ये रो है, ठीक है, तो आर्क अगर हमें ये आर्क निकालना है तो आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल हो जाएगा, एंगल क्या हो गया डी फाई क्योंकि स्मॉल पार्ट है, सो दिस इज रो, रो डी फाई, ओके सिमिलरली दिस इज रो डी फाई, सो दिस वैल्यू आल्सो विल बी अ रो डी फाई, ये रो डी फाई हो जाएगा हमारा, ये देखिए यहाँ पे आर है तो ये डी आर हो जाएगा हमारा, और ये आर डी थीटा क्योंकि एंगल कहाँ बना रहा है यहाँ बना रहा है, ठीक है, इट्स क्रिएटिंग एन एंगल, सो दिस विल ऑल्सो नोन एज आर डी थीटा, सबकी वैल्यूज प्रेडिक्ट हो गई है। अब मान लो हमें ए से सी की तरफ जाना है, पाथ फॉलो करना है, तो ए बी प्लस बी सी, तो ए बी पे क्या आएगा पहले, ये क्या बना रहा है रेडियस, तो डी आर ए आर प्लस बी सी क्या है हमारा रो डी फाई,
तो रो की वैल्यू हमें पता है आर साइन थीटा होती है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सी है आर साइन थीटा डी फाई ए फाई। सो डी एल हमें क्या मिलेगा, हम डिफरेंशियल लेंथ क्या लिख सकते हैं, डी आर ए आर प्लस आर डी थीटा ए थीटा, थीटा के साथ क्या आएगा आर डी थीटा आएगा, प्लस आर साइन थीटा डी फाई ए फाई, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं रो डी फाई लिख रहे हैं और रो की वैल्यू क्या होती है आर साइन थीटा डी फाई, यूनिट वेक्टर ऑफ ए फाई। सिमिलरली द सर्फेस विल बी आर डी आर, वी आर टेकिंग ऑफ द सर्फेस डी आर डी थीटा अपोजिट यूनिट वैक्टर ए फाई, फॉर द आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई वी आर टेकिंग द अपोजिट यूनिट वैक्टर विल बी ए आर, एंड इफ फाई एंड आर अपोजिट यूनिट वैक्टर विल बी ए थीटा, एंड फॉर द वॉल्यूम वी आर मल्टीप्लाई फॉर द होल सर्फेस, सो वी नो दैट लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट्स, तो सिमिलरली डी आर डी थीटा डी फाई डी आर एज इट इज आर डी थीटा लिखते हैं हम आर साइन थीटा डी फाई, तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ये हो गया हमारा स्फेरिकल सिस्टम।